हेलो भाई सभी को, आज है 19 दिसंबर और हम निकलने वाले हैं। आपको पता ही था, यहाँ पे टेंट लगाए थे, अपनी साइकिल पूरी लोड हो गई है। भाई बिहार से ही है, भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा हमको। भाई क्या नाम है आपका? विकास पांडे। भाई का नाम विकास पांडे है और भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा। आप जान ही रहे, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज मेरे यात्रा का 15वां दिन है और आज है सोमवार, तो हर हर महादेव का नाम लेकर शुरू करते हैं इस ब्लॉग की शुरुआत। यहाँ से बालासोर 119 किलोमीटर है और भुवनेश्वर 318 किलोमीटर है, तो मुझे बालासोर तक पहुंचना है। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं, अभी बज रहा है 8:30, तो चलिए इस यात्रा के यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो चलिए आगे कुछ करते हैं नाश्ता, फिर देखते हैं कोई होटल मिलता है बढ़िया से तो वहीं पर रुकेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। अभी टाइम हो रहा है 10:30 और जस्ट हाईवे से जा रहा था तो यहाँ पर एक ढाबा देखा हमको, तो कुछ खाने का मन कर रहा है, बहुत तेज़ भूख लगा है, तो अभी ऑर्डर देते हैं कुछ, देखते हैं क्या है यहाँ पे, तो फिर खाते हैं उसके बाद यहाँ से फिर निकलते हैं। तो चलिए ऑर्डर देते हैं। कुछ इस तरह से अपनी थाली आई है, ये दाल है, चावल, रोटी और एक कटहल की सब्जी है और एक कोई और सब्जी है, इधर मिक्स वेज है और इधर से जालेश्वर 40 किलोमीटर के आसपास है। आज थोड़ा धूप बहुत ज़्यादा है इसलिए बहुत चलाने का मन नहीं कर रहा है, तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। अभी 1 बजने वाला है, अभी टाइम तो है लेकिन अब देखिए कहाँ तक पहुँचते हैं। आज थोड़ा सा आलस टाइप लग रहा है, खाना वाना खा लिए लगता है इसकी वजह से, तो चलिए देखते हैं कहाँ तक। कुछ इस तरह के यहाँ का लोकेशन है, यहाँ अपनी साइकिल खड़ी है। पंद्रह बीस किलोमीटर के बाद उड़ीसा में पहुंच जाएंगे, बंगाल, आज पश्चिम बंगाल क्रॉस कर जाएंगे। बंगाल का आज बाय बाय बोलने का दिन आ गया है और आज मेरा पता नहीं क्यों सर थोड़ा भारी लग रहा है, तबीयत कुछ लगता है गड़बड़ होगा, तो मैं यहाँ पे रुका हूँ कुछ नारियल पानी पीने के लिए। तो दादा वो नारियल पानी छिल रहा है, अभी यहाँ से पी के फिर निकलते हैं आगे, देखते हैं कहाँ तक जाएँगे। वैसे उड़ीसा में आज इंटर कर जाएँगे। अभी जालेश्वर लगभग 35 किलोमीटर है और हम जस्ट जा ही रहे थे, अभी वहाँ नारियल पानी पी के निकले हैं, तब तक अपने भाई लोग मिल गए तो भाई लोगों से कुछ बात हो रहा है। भाई अपना नाम बता दो आप लोग। सुमन दुलाई। आप सुब्रत घोष। तो भाई लोगों से बात करके बहुत बढ़िया लगा, हिंदी जानते हैं, ऐसा नहीं है हिंदी नहीं जानते, तो भाई लोगों से बात करते हैं, बात करने के बाद सीधा आगे निकलेंगे। आज उड़ीसा पहुँचेंगे किसी भी कंडीशन में, देखते हैं कब तक उड़ीसा पहुँचते हैं। पहले बंगाल क्रॉस करके हम उड़ीसा में पहुँच चुके हैं और हमें बॉर्डर का पता भी नहीं चला, तो भैया के यहाँ चाय पीने आए, भैया ने बताया कि आप उड़ीसा में पहुँच चुके हैं, तो भैया वहाँ पे चाय बना रहे हैं, तो अभी कुछ खाने का मन कर रहा था तो एक कुरकुरे खा रहे हैं और चाय पी के कुरकुरे वुरकुरे खा के तब प्यास निकलते हैं, देखते हैं नाइट स्टे कहाँ होता है। अभी भैया ने चाय बनाया, चाय एकदम बेहतरीन बनाए थे, तो चाय पी के मज़ा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको। फिर अब हम निकलते हैं सीधा आगे मार्केट की तरफ, तो पेट्रोल पंप के आसपास कहीं रुकेंगे खाना वाना खा के। भैया के पास खाना वाना नहीं बनाते, वरना ही खाना वाना खा के तभी निकलते।
चले भैया, ठीक है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमको। ठीक है, अभी 5 बज रहा है और हम SP पेट्रोल पंप पे रुक गए। आगे एक पेट्रोल पंप था, वहाँ पे रुकना ठीक नहीं लगा हमको, इसलिए आगे आ गए। और आपको पता ही कि हम ज़्यादातर SP पेट्रोल पंप पे ही रुक रहे हैं, और अच्छा भी लग रहा है, और देख रहे हैं भैया लोग सब सपोर्ट में हैं। तो अभी यहीं कहीं पे टेंट लगाएंगे, और जस्ट बगल में वहाँ पे रेस्टोरेंट है, तो खाना खा के उसके बाद आपसे मिलते हैं। अभी यहाँ पे खाना ऑर्डर किए हैं, दाल फ्राई और रोटी, और सब्जी वब्जी खाने का मन नहीं कर रहा है, तो सिर्फ दाल फ्राई खाएंगे और रोटी। तो कुछ इस तरह से यहाँ अंदर रेस्टोरेंट है, तो अभी आ रहा है दाल फ्राई और रोटी, वही खाते हैं, उसके बाद टेंट लगाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे। हाँ, अब जा रहे हैं टेंट लगाने, और वहीं पे टेंट लगाएंगे, भैया ने परमिशन दिया टेंट लगाने का, तो वहीं पे टेंट लगाएंगे। तो चलिए फटाफट टेंट लगाते हैं।